हेलो एवरीवन, माय सेल्फ बबलू शानी स्टूडेंट। आज अपन बीएससी के अंदर जो सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है, उस सेमेस्टर सिस्टम का जो सिलेबस था वो अपन ने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया है। सेमेस्टर सिस्टम का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, सेमेस्टर फर्स्ट, उसके सिलेबस में आपका जो पहले मैकेनिक्स वाला पेपर चलता था, मैकेनिक्स एंड वेव ऑसिलेशन, उसी को आपका फर्स्ट सेमेस्टर बना दिया, जिसके अंदर चार यूनिट है, दो मैकेनिक्स की, दो वेव ऑसिलेशन की। तो सेमेस्टर फर्स्ट का जो सिलेबस था उसको आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अंदर अपन आज मैकेनिक्स को स्टार्ट करेंगे। मैकेनिक्स के अंदर सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर इसका जो टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र, उसको अपन आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन देखें तो आपने छोटी क्लासों में साइंस पढ़ा होगा, विज्ञान पढ़ा होगा। सबसे पहले आपके पास आता है विज्ञान, जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, साइंस को पढ़ा है। साइंस की ब्रांच आपने पढ़ी होगी, बहुत सारी ब्रांच, जैसे फिजिक्स हो गई आपके पास, भौतिकी हो गई, रसायन विज्ञान हो गई, जीव विज्ञान हो गया, ये बहुत सारी इसकी ब्रांच है। उनमें से एक ब्रांच आपके पास क्या थी, भौतिकी थी। एक ब्रांच आपके पास भौतिकी थी जिसको अपन फिजिक्स बोल रहे थे, और फिजिक्स को भी फिर अलग अलग ब्रांच में डिवाइड कर दिया गया। उस एक उसकी भौतिकी की ब्रांच है, उन ब्रांचों में से जो आपके पास है वो है यांत्रिकी। तो सबसे पहले आपने छोटी क्लासों में विज्ञान को पढ़ा, विज्ञान की फिर शाखाएं पढ़ी, उन शाखाओं में से आपने एक शाखा फिजिक्स पढ़ी। फिजिक्स को भी बहुत सारी शाखाओं में डिवाइड कर दिया, ब्रांच में डिवाइड कर दिया। उनमें से अपन एक को अपन पढ़ेंगे यांत्रिकी, मैकेनिक्स को अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैकेनिक्स, मैकेनिक्स होता क्या है, किसके यदि अपन देखें मैकेनिक्स किसको बोलते हैं, तो भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत बलों, पिंडों की गति तथा उनके मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, यांत्रिकी बोलते हैं। तो अभी अपन डेफिनेशन लिखें तो भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत बलों, पिंडों की गति एवं उनमें पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहलाती है। कहने का मतलब एक भौतिकी की शाखा है, उसके अंदर किस किस का अध्ययन करेंगे मैकेनिक्स के अंदर, किसी पिंड पे विभिन्न प्रकार के बल लग रहे हैं, लगने वाले बलों का अध्ययन करेंगे, पिंडों की गति का अध्ययन करेंगे, उनमें आपस में क्या रिलेशन होते हैं, उन रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब अपन किसमें पढ़ने वाले हैं, मैकेनिक्स के अंदर पढ़ने वाले। इसके बाद में यदि अपन आगे देखें, क्योंकि इस मैकेनिक्स के अंदर पिंड या किसी पार्टिकल या कण या निकाय की अपन गति का अध्ययन करेंगे, तो यदि यहां से अपन देखें तो जो पिंड की या निकाय की या कण की जो गतियां होती है, दो प्रकार की गतियां हो सकती है, एक पार्टिकल स्थिर अवस्था में हो सकता है और एक क्या हो सकता है, गतिशील अवस्था में हो सकता है। ये दोनों जो स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था है वो सापेक्ष अवस्थाएं हैं, या सापेक्ष गति बोल सकते हैं इनको। सापेक्ष गति क्या होती है, अभी अपन इनको समझेंगे। पहले अपन ये देख लेते हैं जो आपने पिंड या जो कण लिया है उन वो कैसी अवस्था में हो सकती है, स्थिर अवस्था में भी हो सकते हैं, गतिशील अवस्था में भी हो सकती है। इस आधार पे इस मैकेनिक्स को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं अपन, इसकी दो ब्रांच अपन डिफाइन कर सकते हैं मैकेनिक्स की, यांत्रिकी की। एक तो आपके पास होती है स्थैतिक, एक तो आपके पास क्या हो जाएगी, स्थैतिक, और सेकंड हो जाएगी गति की। एक क्या हो जाएगी आपके पास, गति की, इस आधार पे, क्योंकि पार्टिकल दो अवस्थाओं में रह सकता है, स्थिर अवस्था में और गतिशील अवस्था में। इस आधार पे इस मैकेनिक्स को अपन ने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक आपके पास होती है स्थैतिक, एक आपके पास होती है गति। स्थैतिक किसको बोल देंगे, मैकेनिक्स की वह शाखा, यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत विराम अवस्था वाली वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंदर विराम वस्तु किसमें होगी, विराम अवस्था में, जिसमें गतिशील अवस्था में होगी, गति अवस्था में होगी, वो क्या होगी, गति की अवस्था। तो यदि अपन स्थैतिक की डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत विराम अवस्था वाली वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगी, स्थैतिक कहलाएगी। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं
क्योंकि जो पार्टिकल है या कण है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो विराम अवस्था में है। तो वस्तु विराम अवस्था में कब हो सकती है? जब उसको चारों ओर से जो संतुलन करने वाले बल लगेंगे, इधर से भी उतना ही बल लग रहा है, चारों ओर से समान परिमाण में बल लगेंगे, तो तभी वो वस्तु क्या होगी? विराम अवस्था में होगी। तो अपन दूसरी डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु को विराम अवस्था में रखने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। कारक का मतलब जैसे यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स का अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो अपन ये बोल सकते हैं जिसके अंतर्गत, क्या बोल सकते हैं? जिसके अंतर्गत वस्तु को विराम अवस्था में रखने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। क्या कह रहा है ये आपके पास? ये स्टैटिक कहलाएगी, स्टैटिक कहलाएगी, स्टैटिक मैकेनिक्स बोल सकते हैं उसको इंग्लिश में, स्टैटिक मैकेनिक्स। ये आपके पास डायनेमिक मैकेनिक्स हो गई, ये तो आपके पास स्टैटिक हो गई। इसका उल्टा अपन क्या बोल सकते हैं? गतिकी को किसको बोल सकते हैं? यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील वस्तुओं का अध्ययन किया जाएगा, क्या कहलाएगी? गतिकी कहलाएगी। या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु की गति को ध्यान में रखकर उसके विभिन्न कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसी को अपन क्या बोल सकते हैं? गति की बोल सकते हैं। कहने का मतलब अब वस्तु गति कर रही है, तो वस्तु गति करेगी तो भी उस पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा, उस फोर्स का अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो गतिशील अवस्था में वस्तु का अध्ययन कर लो, उसको गति की बोल देंगे। विराम अवस्था में वस्तु का अध्ययन कर लो कि विराम अवस्था में कौन कौन सी कंडीशन में वो विराम अवस्था में है, कौन से फोर्स लग रहे हैं उस पे जिसकी वजह से वो विराम अवस्था में है, उसको अपन स्थितिक बोल देंगे। गति कर रही है तो कौन से फोर्स से कर रही है, कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से कर रही है, तो वो उसका अध्ययन करेंगे तो क्या बोल देंगे? उसको गति की बोल देंगे। ये थे आपके पास मैकेनिक्स किसको बोलते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद में उसको अपन दो ब्रांच में डिवाइड कर सकते हैं, स्थितिक और गति की। उसका आधार क्या माना है अपन ने? क्योंकि पार्टिकल स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था में हो सकता है, इसलिए अपन ने मैकेनिक्स को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका सिलेबस का, जो आपके सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक आता है, वो निर्देश तंत्र आता है। इससे पहले अपन एक वर्ड लिख के आए हैं कि पार्टिकल स्थिर अवस्था में था या गतिशील अवस्था में था, तो वो जो गति होती है वो सापेक्ष गति होती है। अब सापेक्ष गति क्या होती है? सापेक्ष गति का मतलब है कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है, उसका पता अपन दूसरी वस्तु के सापेक्ष लगाते हैं, दूसरी वस्तु के सापेक्ष लगाते हैं। वो कैसे लगाते हैं दूसरी वस्तु के सापेक्ष? जैसे मान लो आपके पास कोई पेड़ है पृथ्वी पे, और उस पेड़ को अपन पृथ्वी पे खड़े होकर देख रहे हैं, तो आपको पेड़ क्या दिखाई देगा? स्थिर दिखाई देगा। यदि आप भी स्थिर खड़े हो, पेड़ है स्थिर है, तो वो आपको क्या दिखाई देगा? स्थिर देगा। इसका मतलब उस पेड़ की जो स्थिति है वो आपके सापेक्ष क्या है? विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में होगा। यदि अपन अंतरिक्ष में चले जाएं, अंतरिक्ष से यदि उस पेड़ को देखोगे आप, तो पेड़ घूमता हुआ दिखाई देगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी पे जो वस्तु है वो भी क्या करेगी? घूमेगी। इसका मतलब यदि आप अंतरिक्ष से उस पेड़ को देख रहे हो तो गतिशील अवस्था में है, घूर्णन अवस्था में, मतलब क्या होगी? गतिशील अवस्था। और पृथ्वी पे खड़े होकर देख रहे हो तो वो क्या होगी? विराम अवस्था में होगी। इसका मतलब उस पेड़ की स्थिति अलग अलग पॉइंटों के रेफरेंस में देखोगे तो वो अलग अलग अवस्था में होगी। आपने पृथ्वी पे खड़े होकर देखा तो क्या थी आपके पास? स्थिर अवस्था में। अंतरिक्ष में से देखा तो वो क्या थी? गतिशील अवस्था में। ऐसी कंडीशन में आपने पेड़ की जो स्थिति बताई वो एक बार पृथ्वी पे स्थित वस्तु के सापेक्ष बताई, एक बार अंतरिक्ष में देख के बताई, इसलिए वो अलग अलग निर्देश तंत्र हो गया। एक आपके पास ये वाला निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष आप उसकी क्या बता रहे हो? स्थिति। एक अंतरिक्ष वाला निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष आप पेड़ की क्या बता रहे हो? गति बता रहे हो। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसकी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? कि वह तंत्र या निकाय जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति तथा गति को व्यक्त किया जाता है, जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति और स्थिति को व्यक्त किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? निर्देश तंत्र बोलते हैं। तो आपके पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? निर्देश तंत्र की डेफिनेशन क्या होगी? वह निकाय या तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति तथा गति को व्यक्त किया जाता है, क्या कहलाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र कहलाता है। इसके अलावा
यदि अपन कोई एग्जांपल ले, जैसे आप कार्तीय निर्देश तंत्र लेते हो, कार्तीय निर्देश तंत्र में एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। यदि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट स्थित है, वस्तु स्थित है पी बिंदु पे, जिसके कोऑर्डिनेट आप क्या लेते हो, एक्स वाई जेड, तो आप इस पी की स्थिति को बताओगे तो क्या बताते हो कि ये जो पी बिंदु है वो एक्स अक्ष से तो एक्स दूरी पे स्थित है, वाई से वाई दूरी पे और जेड अक्ष से जेड दूरी पे। और अपन ये भी देखते हैं कि यदि इसका स्थिति सदिश मूल बिंदु से देखते हैं, मान लो ये आर वेक्टर है, इसका मतलब आपने पी की स्थिति को किसके सापेक्ष बता दिया, ओ के सापेक्ष, और ओ आपके पास क्या कहलाएगा, ये मूल बिंदु कहलाता है इसका। तो ये जो सिस्टम है ये वाला एक्स वाई जेड वाले अक्षों का जो समूह है उसको अपन क्या बोल देते हैं, निर्देश तंत्र। इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष आपके पास क्या हो गया, पी बिंदु की स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं। तो ये है आपके पास किसी वस्तु की स्थिति और गति को जिसके सापेक्ष अपन बताते हैं वो आपके पास क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। इसके बाद में निर्देश तंत्र को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक आपके पास जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, एक आपके पास अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसको बोलते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र किसको बोलते हैं, उसको समझते हैं। आपके पास निर्देश तंत्र दो प्रकार के हो गए, एक कौन सा होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, एक तो आपके पास कौन सा आएगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, सेकंड आपके पास क्या आएगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, सेकंड क्या आएगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, जिसको अपन ये तो बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये बोला जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले अपन जड़त्वीय निर्देश तंत्र को देखते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, एक सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, ऐसा निर्देश तंत्र जो या तो विराम अवस्था में रहे या नियत वेग से गति करे, या तो विराम अवस्था में रहेगा या क्या करेगा, नियत वेग से गति करेगा। अब आपने कोई वस्तु विराम अवस्था में है या नियत अवस्था में है, यदि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता हो तो ये नियम क्या होता है, न्यूटन का प्रथम नियम होता है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या होता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गति, नियत वेग से गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। और इसकी डेफिनेशन भी अपन क्या बोल रहे हैं, ऐसा निर्देश तंत्र जो विराम अवस्था में हो या नियत वेग से गतिशील हो। इसका मतलब ऐसे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम का पालन करते हैं क्या कहलाएंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएंगे। पहले अपन इसकी डेफिनेशन बोलते हैं, ऐसे निर्देश तंत्र जो विराम अवस्था में हो या नियत वेग से गतिशील हो, नियत वेग से गतिशील हो, क्या होंगे आपके पास, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होंगे। और नियत वेग से हो, नियत वेग का मतलब है वेग का मान कांस्टेंट है, और आपको पता है वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण, और वेग कांस्टेंट वेग कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, जीरो होता है, त्वरण क्या होता है, ए बराबर डीवी अपॉन में डीटी। और ये बोल रहा है कि जो वेग वो तो आपके पास नियत है तो उसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे निर्देश तंत्र जिनका त्वरण जीरो का मतलब जो अत्वरित गति करते हैं, या क्या बोल सकते हैं, जो क्या करते हैं, अत्वरित गति करते हैं, जिनका त्वरण जीरो हो वो क्या कहलाते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। अत्वरित गति करने वाले निर्देश तंत्र भी क्या होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। और एक डेफिनेशन अपन ये बोल सकते हैं, ऐसे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति के प्रथम व द्वितीय नियम का पालन करते हैं, द्वितीय नियम का पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। कैसे पालन करते हैं इसको समझो, देखो आपको पता है प्रथम नियम अपन ने देख लिया जड़त्व का नियम, दूसरा नियम क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। अब ये बोल रहा है कि वो नियत वेग से गति करेगा, नियत वेग से गति करेगा तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा, जीरो। यदि आपके पास त्वरण जीरो है तो फोर्स भी क्या हो गया, जीरो हो गया। और ये न्यूटन का प्रथम नियम था कि यदि बाह्य बल अनुपस्थित है मतलब जीरो है तो कण क्या करेगा, विराम अवस्था में रहेगा या नियत वेग से गतिशील है तो क्या करेगा, नियत वेग से गतिशील या नियत वेग से गति करता रहेगा, ऐसा ही था। इसका मतलब बाह्य बल की अनुपस्थिति में नियत वेग से गति करेगा तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ आ रहा है, यदि त्वरण जीरो है तो फोर्स भी क्या हो रहा है, जीरो। इसका मतलब न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम का क्या कर रहा है, ये पालन कर रहा है। इसलिए ऐसे निर्देश तंत्रों को अपन क्या बोलेंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र बोलेंगे। इसका उल्टा जो है वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा। उल्टा कैसे, ऐसे निर्देश तंत्र जो त्वरित गति करते हैं,
उनका तौन का मान कुछ ना कुछ आएगा, इसका मतलब नियत वेग से गतिशील नहीं होंगे वो, कभी वेग ज्यादा कभी वेग कम, वेग में परिवर्तन हो रहा है तो तौन भी कुछ ना कुछ निकलेगा, इस बार जीरो नहीं होगा। तो ऐसे निर्देश तंत्र जो त्वरित गति करते हैं, या ऐसे बोल दें ऐसे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम का पालन नहीं करते, उनको क्या बोलते हैं? अजड़तीय। वो पालन नहीं करेंगे अजड़तीय निर्देश तंत्र में क्या बोल सकते हैं अपन, या डेफिनेशन लिख लेना अजड़तीय निर्देश तंत्र में। यदि अपन ये देखें जो आपके पास ये फॉर्मूला था ए बराबर है में ए त्वरित गति, इसके अंदर हो रही थी, इसके अंदर त्वरित गति होगी, इसका मतलब त्वरण का मान जीरो नहीं होगा। त्वरण का मान जीरो नहीं होने पर भी आपके पास एफ बराबर क्या मिल जाए? जीरो मिल जाए। होना तो क्या चाहिए था? ए बराबर जीरो है तो एफ बराबर भी जीरो, तब तो वो फॉलो करता। इसके अंदर फॉलो कर रहा है इसलिए वो जड़त्वी हो गया, इसके अंदर फॉलो नहीं करेगा। यदि त्वरण जीरो नहीं है उसके बावजूद भी फोर्स का मान कितना हो रहा है? जीरो हो रहा है, इसका मतलब फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। दो कंडीशन आ सकती है, ए जीरो नहीं है तो एफ जीरो हो जाएगा, एफ जीरो नहीं है तो ए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि जो प्रथम द्वितीय नियम का पालन नहीं करते वो क्या कहलाते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इनका यदि एग्जाम्पल देखना चाहे जड़त्वीय निर्देश तंत्र का जो उदाहरण है वो आपके पास सिंपल सा है, तारों की गति, तारे नियत वेग से गति करते हैं। यहां से देखने पर अपने को तारे नियत वेग से गति करते हैं तो वो निर्देश तंत्र है वो वाला, वो आपके पास क्या होगा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और जितने भी आपके पास अभी एग्जाम में उसमें डेफिनेशन में भी अपन ने देखा था जो त्वरित निर्देश तंत्र होते हैं, जितने भी निर्देश तंत्र जिनका वेग समय के सापेक्ष कभी कम कभी ज्यादा होता है, मतलब त्वरित निर्देश तंत्र होते हैं, और घूर्णित निर्देश तंत्र होते हैं जो घूर्णन गति करते हैं, वो सारे के सारे निर्देश तंत्र क्या होते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। त्वरित गति करने वाले, घूर्णित गति करने वाले, सभी निर्देश तंत्र क्या होते हैं? अजड़त्वीय। त्वरित गति करने वाले, घूर्णन गति करने वाले निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। इनको अपन आगे टॉपिक अलग से भी पढ़ेंगे, घूर्णन करने वाले निर्देश तंत्र के बारे में अपन पढ़ेंगे कि यदि वो जड़त्वीय है या अजड़त्वीय है, इसको अपन प्रूव करेंगे। ये था मैकेनिक्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। उसका जो आपका सिलेबस का जो पहला टॉपिक था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र वो क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं नॉन और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनको अपन ने देख लिया। आगे अपन जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, निर्देशांक रूपांतरण, उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।